कितनी अच्छी लगती है ना। देवी हिलाई बच्चों की तरह मुस्कुराती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनमें से एक हैं गुन्नू जी, और गुन्नू जी बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं, बहका देते हैं युवराज खंडेराव को। और युवराज खंडेराव मांग कर बैठते हैं उनके बहकावे में आकर के अपने पूरे साल के वेतन की। और जब इनकार किया जाता है, देवी अहिल्या द्वारा पूछा भी जाता है कि क्या करेंगे, फिर वो कहते हैं कि क्या अब मुझे तुमसे हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, और चिंता मत करो तुम कि मैं तुम्हारी जो तुम्हें पगार मिलेगी उसमें से कोड़ी तक नहीं लूँगा। फिर देवी अहिल्या समझती है, सोचती है कि ठीक नहीं है, क्योंकि गुन्नू जी भी वहाँ होते हैं और युवराज खंडेराव इस वक्त कुछ समझने की मुद्रा में नहीं होते हैं। तो देवी अहिल्या उन्हें कह देती है कि हाँ ठीक है, जो करना चाहते हैं करें। और जो खजांची होता है उसे कह देती हैं कि एक साल के पूरा जितनी जो वेतन बनता है युवराज का, इनको दे दीजिए। अब वेतन दो पोटलियों में भर के युवराज को थमा दिया जाता है। युवराज अपने अहम को जीता हुआ महसूस करके वहाँ से जाना चाहते हैं, तभी देवी अहिल्या रोक लेती और कहती है युवराज ज़रा ठहरिए और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वो पूछते हैं क्या है, तब देवी अहिल्या कहती है कि ये वो हलफनामा है, आपका घोषणा पत्र है, जिस पर आप ये कहते हैं कि अब आप एक साल पूरा होने तक कोई भी रकम, कोई भी पैसा सरकार से नहीं मांगेंगे। और अब युवराज और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं।